सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आप देख रहे हैं संदीप सिंह पखाड़ा को और मैं आज एक बड़ी जटिल समस्या लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। हमारा काम है कि जनता तक समस्या पहुंचाना, अधिकारियों तक समस्या पहुंचाना और उसकी कोशिश करना कि उसकी समस्या को निजात मिल सके। आप देख रहे हैं ये स्थानीय बाज़ार है और हम खड़े हैं पुरानी सब्जी मंडी चौक, जो प्राचीन सब्जी मंडी यहाँ सबसे पहले सब्जी मंडी होती थी वो चौक है। और यहाँ पर एक समस्या ये है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा खड्डा बना हुआ है। आप देख लीजिए ये लाइन सीवरेज से लेकर के और यहाँ तक मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के द्वारा, यहाँ तक पूरा खड्डा बना हुआ है आगे तक रोड तक। आप देख रहे हैं मार्केट के बीचों बीच पड़ाव चौक से अगर गांधी चौक जाते हैं तो रास्ता में एक ये चौक आता है, यहाँ पर बड़ा गहरा खड्डा बना हुआ है। किस प्रकार से साधन यहाँ जा रहे हैं आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर खड्डे में किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। ये बड़े गहरे खड्डे हैं और यहाँ पर इन खड्डों की बात की जाए तो वो एक महीना पिछली 3 तारीख के दौरान यहाँ पर खड्डे खोदे गए थे क्योंकि सीवरेज की बड़ी समस्या थी बरसात के समय में। और उस सीवरेज की समस्या को देखते हुए ब्लॉकेज यहाँ थी, उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए ये खड्डे खोदे गए थे। और आज भी यहाँ पर पूर्ण रूप से वो खड्डे मौजूद हैं लेकिन कहीं भी सड़क का नामो निशान यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ बाज़ार है मेन और यहाँ पर जो है खड्डे नहीं होने चाहिए और सड़क होनी चाहिए थी। एक महीना और लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। आप देख लीजिए इसके लिए हमने भी चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर जो है तुरंत प्रभाव से रोड की समस्या है, जो सीवरेज समस्या वो दूर होनी चाहिए और समस्या को दूर करना ही बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए यहाँ पर रोड का चारों तरफ से खड्डे, बड़े गहरे खड्डे यहाँ बने हुए हैं। अगर कोई साधन यहाँ पर आता है तो वह बगैर इन खड्डों से जूझने के जा कहीं प्रकार से निकल नहीं सकता। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, अंकल जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनका घी का काम है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। हाँ सुरेंद्र जी, खड्डे को लेकर के अक्सर यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं, साधनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, आपका क्या कहना है? हमारे मतलब 1-1.5 महीने पहले सीवर ब्लॉक हो गए थे यहाँ पे, उसी लाइन डाली थी उन्होंने, उसे डालने के बाद फिर ये छोड़ के आए थे, छोड़ के चले गए। अब ये बड़ी बुरी परेशानी हो रही है, खड्डे गिरे और आए दिन स्कूटर मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं और अब पानी आ खड्डो बारिश का पानी भर जाता है और बहुत परेशानियाँ होती है और कई बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी कई बार गिर चुके और भी सब परेशानी है। यहाँ सड़क बना नहीं रहे, कई दिन से प्रशासन को बोल भी रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और बड़े बड़े VIP लोग टपते रहते हैं, उन्हें ऐसे आग मिट के चल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की वो नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल देखा आपने, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी भी टप चुके हैं, खुद मेयर साहब भी यहाँ से गुजर चुके हैं और आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पर एक यात्रा निकली थी, जन रैली जो माननीय मुख्यमंत्री जी की थी उसके लिए भी यहाँ पर विजिट हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये सब होने के बावजूद भी इस खड्डे को यहाँ पर भरा नहीं गया है। आप देख रहे किस प्रकार लोग यहाँ परेशान हैं, प्रकार आप देख रहे हैं ये खड्डे मेन मार्केट के अंदर है। अभी यहाँ पर मौजूद हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे, ये कोई फल विक्रेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहित सेठी जी। हाँ मोहित जी, क्या किस प्रकार की परेशानी इस खड्डे को लेकर के लगातार आप झेल रहे हैं? बहुत मार्केट में जाम की समस्या भी बहुत पैदा हो गई है, पहले तो खड्डा थोड़ा समतल था, इसकी जो मिट्टी भी जो है ना जी वो नीचे बैठ गई है, इससे परेशानी और बढ़ गई है कि जाम में निकलने वाला ट्रैफिक को टाइम लग जाता है निकलते हुए, कोई भी स्कूटर हो चाहे व्हीकल हो, कई बार तो बरसात के दिनों में नीचे भी दस जाता है, जिसको लेके काफी परेशानी हो रही है जी। कितना समय हो चुका है इसको खड्डे को बने खड्डे को? लगभग इसको जी 1 से 1.5 महीना हो चुका है जी और काम हुए हुए कंप्लीट हुए हुए हो चुका है जी, वैसे तो ये 2 महीने से पहले से रहा था जी काम हुए, इसको 1-1.5 महीना हो चुका है, काम अब बिल्कुल सही हो चुका है, फिर भी रोड नहीं बनाया गया,
क्या आश्वासन? बार इसके ऊपर बड़े बड़े अफसर भी टपे हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं है किसी प्रकार का। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ स्थानीय दुकानदार, जिनकी दुकान के बिल्कुल आगे ये बड़ा सा गहरा गड्ढा आप देख रहे हैं बना हुआ है, और इनसे ज्यादा जानकारी मेरे हिसाब से और लोगों को नहीं होगी, तो क्यों ना इन्हीं से बातचीत की जाए। हाँ जी, आपकी दुकान के आगे सबसे बड़ा गड्ढा है, और हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको खड्डे को लेकर? रात के समय दो दो तीन तीन फुट गहरे हो रहे हैं, जिनमें एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ कल परसों दो दिन लेडीज भी आया, समुद्री से गिर चुकी है जी, बड़ी भारी दिक्कत हो रही है जी। और ये पानी आके जब बरसात हुई थी, अब पानी मरने का खतरा है जी। दुकान गिरने, पुरानी बिल्डिंग है, ये भी गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर इनको अधिकारियों को आपने बताया, कुछ कहा गया इस बारे में? कहा है जी, पहले भी कह चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। यहाँ मंदिर में झांकी निकलने वाली, झांकी भी परे करने जा सकते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ। डेढ़ लाले जी, देख तो। अभी हम यहाँ पर मौजूद दुकानदार हैं, चाय वाले, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, इस खड्डे के बारे में बताइए। जी सर, जी सवा महीने हो गए इन खड्डे को, पहले खोदा है थोड़ा सा, उसके लिए क्या किया इन्होंने, एक हफ्ता गाल दिया, एक हफ्ते के बाद ठीक करे, फिर बोले हम इसको सड़क पर उगा देंगे, उसके बाद वो करेंगे। इसके अंदर क्या है, जो थ्री व्हीलर वाले हैं और बुड्ढे ठेरे हैं, वो सब यहाँ पड़ते हैं, और एक्सीडेंट भी डेली होते हैं यहाँ, एक आधे एक्सीडेंट होता ही रहता है यहाँ। बिल्कुल, इस परेशानी से सारे परेशान हैं। बिल्कुल, हम भी परेशान हैं और ये सारे पब्लिक परेशान हैं। बिल्कुल, देख लीजिए ये बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं। अगर कोई साधन सीधे तौर पे यार रात्रि के समय आए, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ अंधेरा होता है और लोगों को पता नहीं लगता, अगर रात्रि के समय में सीधे तौर पे यहाँ आते हैं तो उसका यहाँ एक्सीडेंट होना बिल्कुल वाजिब है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशानी का सामना करके किस प्रकार निकल रहे हैं, बड़ा ही गहरा खड्डा है ये। संदीप सिंह पखाड़ा की रिपोर्ट आपके द्वारा चैनल के माध्यम से मैं आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। उससे संबंधित अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों अभी तक ये खड्डा नहीं भरा गया, क्यों अब तक यहाँ रोड नहीं बना है, और इसको आवाज़ को हम आगे तक उठाएंगे। आप देख रहे हैं ये जो खड्डा है, यहाँ पुरानी सब्जी मंडी चौक जो होता था पहले, वहाँ पर ये खड्डा है।